चैनल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ पिज्ज़ा, वो भी मैगी पिज्ज़ा। आज हम होममेड मैगी पिज्ज़ा बनाना सिखाएंगे आपको। उसके लिए मैं सबसे पहले डो तैयार कर लेती हूँ पिज़्ज़ा की, क्योंकि आप फिर बाद में हमसे पूछते हैं कि पिज़्ज़ा की डो कैसे तैयार हुई। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल देखा करें, फुल फॉलो किया करें, ताकि एक बार जब आपने डो बनाने का तरीका सीख लिया तो फिर आपको दोबारा उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डो बनाना। ये मैंने एक बाउल लिया है और इसमें हम जो वॉर्म मिल्क का 1 कप है ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसमें हम ऐड करेंगे इंस्टेंट ड्राई यीस्ट 1 टेबल स्पून, देख सकते हैं 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और साथ ही शुगर पाउडर डाल लें ताकि ये राइज हो जाए अच्छे तरीके से। और पहले आप इसमें नमक मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि नमक जो होता है, नमक से जो राइजिंग का प्रोसेस होता है वो रुक जाता है, हमारा जो डो होता है वो अच्छे तरीके से राइज नहीं हो पाता। तो आप शुगर ऐड किया करें, जो साल्ट है वो बाद में ऐड किया करें। ये देखिए ये हमारे पास छोटे 2 टेबल स्पून है, ये मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी, शुगर पाउडर है हमारे पास। और इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, कोई सा भी अच्छी क्वालिटी का आप मिल्क पाउडर ले लें। ये देखें 2 टेबल स्पून मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे जो डो होता है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। और अगर हम मिल्क पाउडर ऐड कर लें तो हमारा डो जो होता है वो तो हम काफ़ी टाइम तक उसको रख भी सकते हैं स्टोर करके। इसको मिक्स कर लें। और ये 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑल फ्लोर पर्पज़ मैदा ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम 1/2 टेबल स्पून साल्ट ऐड करेंगे। ये देखें 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें साल्ट ऐड किया है। और इसको आप मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। थोड़ा मैं इसको चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, फिर हम हाथ से इसको नीट करेंगे। जो हमारे पास डो होता है पिज़्ज़ा का डो या बर्गर का बन का, इनका जो डो होता है इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं नीट करते, और बहुत ज़्यादा इसको हम मोटा भी नहीं रखते, इसको अपने पतला पतला रखना है जी। तो अब हम अपने डो को हाथ से नीट कर लेते हैं। देखें इस तरीके से आप इसको नीट कर लें अच्छे तरीके से। थोड़ा सा नीट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बटर, घी या ऑयल, जो भी आपके पास रिक्वायर हो, जो भी आपके पास हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखें डो जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। और अब इसमें हम ऐड करते हैं ऑयल या घी। और ये देखें 2 टेबल स्पून हमारे पास है मेल्टेड बटर है हमारे पास। और इसके साथ इसको अच्छे तरीके से नीट कर लें। जब हम बटर यूज़ करते हैं तो फिर ये डो जो होता है वो हमारा हाथ भी छोड़ देता है। ये देखें, और आज थोड़ा मौसम भी चेंज है तो उस लिहाज से आप डो को तकरीबन 2 आवर्स के लिए रखेंगे, तब जाके आपका डो राइस होगा। इस तरीके से आप इसको नीट करते जाएँ जी। तो ये देखें हमारा डो जो है वो सेट हो गया। और अब हम इसको रख देते हैं राइस होने के लिए, एक गर्म प्लेस पे रख दें या फिर रूम टेम्परेचर पे। और लेकिन ये है कि इसको आज टाइम लगेगा, मैं कह रही हूँ, क्योंकि हमारे पास मौसम काफ़ी चेंज है। इवन आजकल तो सारे मुल्क में मौसम ऐसे ही है। तो इसको अब हम ढकते हैं। और ये देखें मैं इसके नीचे भी कपड़ा डाल रही हूँ मोटा, ताकि इसको हीट मिल सके। और ये हम इसके ऊपर जो है अपना प्लेट रखने लगे। और इसको अब यहाँ पे एक और कपड़ा जो है इसके ऊपर रख दें, और इसको तकरीबन 1 या 2 आवर्स के लिए रख दें। डो जो है वो राइज हो जाएगा अच्छे तरीके से। और उसके बाद में मैं आपको स्टफिंग बताती हूँ इसकी। हम तैयार करते हैं मैगी, क्योंकि आज हम बना रहे हैं मैगी पिज़्ज़ा। तो उसके लिए हम लेंगे 2 छोटे पैकेट मैगी के, और इसको हम पहले तैयार कर लेंगे। मैंने चटपटा लिया है, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं जो आपको टेस्ट पसंद हो मैगी का। और अब इसमें ऐड करूँगी मैं 1.5 कप पानी। ये देखें ये 1 कप, और 1/2 कप जो है वो मैं पानी का ऐड करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं ऐड करना इसमें। हम बस इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और अब मैं इसमें जो मसाला है हमारा मैगी का वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको रखते हैं गैस पे। तो ये देखें इसको अब हम पकाएंगे और मीडियम फ्लेम पे। और इसका मैं भी ढक्कन जो है वो बंद करने लगी हूँ। और इसको 10 मिनट तक तकरीबन हम इसको पकाएंगे, तो बिल्कुल रेडी हो जाएगा 10 मिनट तक। देखिए हमारी मैगी जो है वो तैयार हो गया है, और अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। इनको अच्छे तरीके से आपने ठंडा करना है, उसके बाद हम पिज़्ज़ा पे इसको डालेंगे। तो अब चलते हैं अपने डो की तरफ। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये राइज हो चुका है। और अब अपना कपड़ा साइड पर हटा लेते हैं, और अब मैं इसको थोड़ा सा नीट करूँगी। ये देखें इसकी थोड़ी हवा जो है वो आप निकाल लें। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारे पिज़्ज़ा का जो डो है वो रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा हाथ से आप प्रेस कर लें। ये देखें
तरीके से। और अब इसको हम डालते हैं पिज़्ज़ा पैन में। ये देखिए इसमें मैंने बटर रखा है, और इसको आप सारे पैन में सेट कर दें, बटर को फैला दें इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल इसकी किनारी भी, किनारियों पे भी। और अब हम इसमें ऐड करें डालेंगे ये देखें, और इसको हम हाथ से सेट करते जाएंगे जी। तो इसको हाथ से सेट कर लें, ये देख सकते हैं हमारे पिज़्ज़ा में, पिज़्ज़ा पैन में इसको बिल्कुल। और यहाँ से आप फोक के ज़रिए इसके साइड्स जो हैं वो बना लें, ये देखें इस तरीके से। पहले आप फिंगर्स की मदद से इसको सेट कर लें, उसके बाद हम फोक की हेल्प लेंगे इस तरीके से साइड्स को ना, थोड़ा सा साइड्स जो है वो उसमें उधार पैदा करना है आपने इस तरीके से। ये देखें ये तकरीबन रेडी हो गया, और अब इसको फोक की हेल्प से सारे पिज़्ज़ा में इस तरीके से आप कर लें, थोड़ा साइड से भी कर दें। और देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट डो बना है। और अब हम यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। अब हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस, इसको अच्छे तरीके से आप डाल के रब कर लें सबसे पहले। ये देखें इस तरीके से रब करते जाएं, बहुत ही ज़बरदस्त होममेड मैगी पिज़्ज़ा। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही आप बना के अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं जी। तो ये देखें बिल्कुल सेट हो गया। और यहाँ पे मैं एक स्लाइस रखूँगी चीज़ की, हमारे पास है मोज़ेरेला चीज़। ये देखें इस तरीके से मैं स्लाइसिस काट के साइडों पे रख रही हूँ इस तरीके से। आप सबसे पहले चीज़ रखें यहाँ पे, और अब यहाँ पे मैं रखूँगी हमारे पास है मैगी। ये देखें नूडल्स जो हैं वो ठंडे हो गए हैं, और आप इनको इस तरीके से फोक की मदद से उठा कर यहाँ पे रख लें। बहुत ही मज़ेदार, ये देखें इसको सेट करते जाएं। थोड़ा सा इसको हाथ से आप सेट कर लीजिएगा जी। तो ये देखें इसको थोड़ा थोड़ा सेट कर दें बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से, किनारियाँ जो हैं इसकी सेट कर दें आप। ये देख सकते हैं थोड़ा सा इसको प्रेस कर लें, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इस तरीके से। आपने फोक की हेल्प से इसको प्रेस करना है ताकि जो नूडल्स हैं वो सेट हो जाए अच्छे तरीके से। और अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा गार्निशिंग करूँगी, हमारे पास है टोमेटोज। आप भी अपनी टेस्ट और जायके के हिसाब से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। पिज़्ज़ा में ऐसा कोई पाबंदी नहीं होती, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बस आपको एक बार पिज़्ज़ा डो जो है वो बनाना आ जाए अच्छे तरीके से, उसके बाद आपके लिए ये कोई मुश्किल साइंस नहीं है। उसके बाद हमारे पास है ग्रीन वॉल पेपर, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इस तरीके से मैंने गार्निशिंग कर दी है इसको। और अब यहाँ पे हम प्याज डालेंगे थोड़ी सी। आज मैंने थोड़ा डिफरेंट काटा है इसको, रिंग शेप में नहीं काटा जी। तो ये देखें हमारे पिज़्ज़ा जो है वो सब रेडी है, मैगी पिज़्ज़ा। और अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डालूँगी, हमारे पास है मायोनीज, इसको मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी यहाँ पे इस तरीके से। ये देखें, और अब हम अपनी जो चीज़ स्लाइस है वो डाल देंगे इसके ऊपर। ये देखें कट करके डालना चाहते हैं या ऐसे ही रख दें, ये आपकी चॉइस है। ये देखें इस तरीके से मैंने स्लाइसेस में इसको रखती है मोज़ेरेला चीज़। और पिज़्ज़ा लवर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जी। तो अब मैं इसको यहाँ पे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखूँगी सेट होने के लिए, उसके बाद हम इसको बेक कर लेंगे। फिर ऐड करेंगे यहाँ पे एग जोग, इसकी थोड़ी थोड़ी स्टफिंग करेंगे इस तरीके से। आप साइडों पे ब्रशिंग कर दें इसकी, ये देखें एग जोग की सेंटर से आपने योग को लेना है, और इससे बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ जाता है। ये देखें और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, आप भी मज़े मज़े की चीज़ें बनाएं और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। ज़रूरी नहीं कि हम बाहर जाएं, हम घर में भी अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है,
थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी कर रही हूँ, ये देखें। और अब ये रेडी है, अब हम इसको बेक कर लेते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा जो है उसकी गार्निशिंग भी हो गई है। तो चलें, मैं इसको विदाउट ओवन बेक कर रही हूँ। आप ओवन में बेक करना चाहें, या अगर आपके पास ओवन अवेलेबल नहीं है तो मैंने आपको प्रोसेस बताया हुआ है, विदाउट ओवन भी आप इसको बेक कर सकते हैं बहुत ईजीली। ये रहा हमारा पिज़्ज़ा, मैगी पिज़्ज़ा, बहुत ही मज़ेदार, ये देख सकते हैं आप। और पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया, और अब हम इसको कट कर लेते हैं बहुत ही एहतियात से, ये देखें जी। तो ये देखिए, मैंने स्लाइसिस में इसको कट कर लिया है, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप भी इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी इंस्टेंट। ये देखें मैगी पिज़्ज़ा, बहुत ही ज़बरदस्त होममेड, और आप इसका पीछे से भी कलर देख सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आपको घर पर अगर मिल जाए तो इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।